भगवान श्री राम ने क्यों किया था अहिरावण की पत्नी से विवाह। जी हाँ दोस्तों, आपको यह कथा एक नई सी लग रही होगी, लेकिन मेरे पास इसका प्रमाण है जो मैं आज आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आप इस कथा को मेरे चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए कथा की तरफ चलते हैं मित्रों। दोस्तों, उस समय की बात है जब मेघनाथ का वध हो चुका था, रावण का सैनिक सारे मारे जा चुके थे, तो रावण ने अपने दूत को अपने पुत्र अहिरावण और महिरावण को बुलाने के लिए पाताल लोक में भेजा। पाताल लोक जो आज के समय में अमेरिका में पड़ता है, और वही अहिरावण ने जब रावण की बात सुनी तो वह वहां से सीधे मुंह चला आया और उसने कहा कि जैसी पिताजी आपकी आज्ञा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो उसने एक नीति बनाई कि अब राम जी के उस क्षेत्र में तो मैं जा नहीं सकता हूं। हनुमान जी स्वयं पहरा दे रहे थे, तो उसने विभीषण का रूप बनाया। विभीषण जी अपने एक अलग पंडाल में सो रहे थे, और वो विभीषण का रूप बनाकर हनुमान जी से पूछकर अंदर गया, और उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को भी साथ में ही हरण करके पाताल लोक को ले गया, जो पीछे के रास्ते से गया। सुबह होते ही जब हनुमान जी उठे और प्रभु श्री राम को बहुत देर हो गया उठने में, तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु श्री राम क्यों नहीं उठ रहे हैं। जाकर पांडाल के अंदर देखा तो वहाँ पर भगवान नहीं थे। तो उन्होंने कहा विभीषण जी मुझसे मिलने के लिए आए थे और उनके साथ ही प्रभु श्री राम गए होंगे। लेकिन विभीषण जी ने कहा, नहीं मारुति नंदन, मैं नहीं आया था मिलने के लिए, किसी दूसरे अनुचर ने मेरा वेश बनाया होगा, मैं तो अपने ही जगह पे था। इसके बाद हनुमान जी बहुत चिंतित हुए और वो पीछे के रास्ते से गए हुए पैर को देखते हुए आगे बढ़ते गए, और खोज करते हुए वो माता निकम्बुला के मंदिर के स्थान पर पहुंचे। वहाँ पर दो गिद्ध और गिद्धनी बैठे हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे। गिद्धनी अपने पति से कह रही थी कि हे नाथ, आज मुझे नर मांस खाने की इच्छा हुई है। तब उसके पति ने कहा, जो दैत्य राम लक्ष्मण को रसातल में ले आए हैं, वहाँ देवी के समक्ष में वे वध किए जाएंगे। कल उनका वध हो जाने पर मैं तुझे मनुष्य का मांस ला कर दूंगा। हनुमान ने इस बात को सुन लिया और कुछ संतुष्ट होकर आगे जाकर उसने देखा कि रसातल के मुख्य द्वार पर मकर ध्वज पहरा दे रहा है। मकर ध्वज ने झपट कर हनुमान जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। हनुमान ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं भगवान श्री राम का दूत हूं, लंका में से दो राक्षस राम लक्ष्मण को उठाकर यहां पाताल लोक में ले आए हैं, मैं उनकी खोज करने के लिए यहां आया हूं, यदि तुमको कुछ पता हो तो बताओ। तब हनुमान जी के इस वाक्य को सुनकर मकरध्वज ने उससे पूछा कि मेरे पिता अंजनी कुमार वहां कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने जब इस बात को सुना तो आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, अरे हनुमान जी की तो कोई स्त्री है ही नहीं, तू किसका पुत्र है। तब उसने हनुमान को उत्तर दिया, जब हनुमान जी ने लंका जलाकर अपनी पूछ को समुद्र में बुझाया था, उस समय उन्होंने धुएं से जमा हुआ गले का कप जो जल के थूक दिया था और उसे एक मगरी ने खा लिया था, उससे उत्पन्न हुआ मैं एक पुत्र हूँ और मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने जब ये सारी बात सुनी तो कहा, मैं ही अंजनी पुत्र हूँ और सर्वथा ही सत्य है। मकरध्वज ने अपने पिता हनुमान को नमस्कार किया और सब समाचार कह दिया। उसने कहा कि जब दोनों असुर यहाँ से राम लक्ष्मण को लेने के लिए लंका को गए तो उसने प्रथम ही उन दोनों राम लक्ष्मण को कमच्छा देवी के समक्ष बलिदान देने का निश्चय कर लिया है। तदनुसार कल उन दोनों का देवी के समक्ष बलि देने का निश्चय भी हो चुका है। जाओ दिवाले में जाकर खड़े हो जाओ और वहां से उन दोनों को उठा ले जाना। उसके पश्चात हनुमान जी ने तृण रेणु के समान वहीं पर अपना लघ रूप धारण किया और मकरध्वज को एक पेड़ में बांध दिया, ताकि राक्षसों को यह पता न चले कि मकरध्वज ने उनके नमक का हरामी किया है। इसलिए हनुमान जी के बांधे जाने पर मकरध्वज वहीं पर बंध गया और हनुमान जी देवालय में घुस गए। भीतर प्रवेश कर वह मंदिर के द्वार पर बाहर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी ने भीतर से धीरे से देवी के जैसा स्वर बना लिया और कहा,
उसी समय हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने कहा, आज तुम लोग इस मोखे में से ही मेरी पूजा कर लो, फिर धनुष तथा तूणीर तरकसधारी इस राम तथा लक्ष्मण नामक दोनों मनुष्यों की वन में फूलों और फलों से पूजा कर पुष्प माल्यों से सुशोभित कर दो। पुनः उन्हें जीवित ही मेरी प्रसन्नतार्थ किंचित पार्श्व में कपाड़ को खोलकर उन्हें धीरे से भीतर ले आओ। यदि कोई भी मनुष्य आज किसी प्रकार किंचित भी मुझे देख लेगा तो वह अवश्य ही अंधा हो जाएगा। तब देवी के आदेश को सुनकर दोनों दैत्यों ने निश्चय कर लिया, अवश्य ही आज देवी हम पर अति प्रसन्न हुई है। फिर तो उन दोनों असुरों ने गवाक्ष मार्ग से ही देवी का पूजन कर लिया और बतासा मिठाई तस्मे आदि जो भी था सब कुछ मोखा खिड़की से भीतर गिरा दिया। करोड़ों पंचामृत के घड़े सादर उड़ेल दिए, करोड़ों फलों के ढेर गवाच के भीतर छोड़ दिए। यह सब चरवाण का मारुति पुनः उनसे कहने लगा, यह तुमने क्या थोड़ा सा कमल मात्र आहार मुझे दिया है, अभी मैं बहुत भूखी हूँ। तब देवी के इस वाक्य को सुनकर दोनों दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन दोनों ने अपने दूतों को आज्ञा देकर बाजार की दुकानों का माल तथा नगर निवासियों के सब खाद्य पदार्थ लुटवा कर उनके पर्वताकार ढेर को मंदिर के भीतर डाल दिए। उनके राजगृहों में भी कुछ भी खाने पीने को नहीं रह गई थी, वह भी भृत्यों की मंगवा कर देवी को समर्पण कर दिया। फिर तो नगरवासियों ने प्रत्येक घर में कोलाहल होने लगा। अब शत्रुओं के भोजनार्थ भी कुछ शेष नहीं रह गया। इस समय धनुष और तरकस को धारण किए हुए राम लक्ष्मण की वन पुष्पों से पूजा कर कपाट मार्ग से उन असुरों ने धीरे से देवी को अर्पण कर दिया। उन्हें देखकर हनुमान जी ने नमस्कार किया। राम लक्ष्मण ने हनुमान को हृदय से लगाया, फिर हनुमान किवाड़ खोलकर बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने उन दोनों दैत्यों को ललकारा। उसी समय राम लक्ष्मण भी झट देवालय से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने बाण समूह वर्षा कर क्षण भर में उन दोनों राक्षसों को मार डाला, किंतु वे दोनों अपनी आसुरी माया से पुनः जीवित हो गए। राम ने उन्हें फिर मारा, फिर वे जीत गए, फिर मारा, फिर जीत गए। ऐसे जीते गए। इस प्रकार राम ने उन्हें सैकड़ों बार मारा, लेकिन वो फिर जिंदा हो गए। जब वो मरे नहीं, तब आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी उनकी मृत्यु की खोज करने लगे। वह यत्र तत्र वहीं पर भ्रमण करने लगे। तब उन्हें नगरी के एक एकांत स्थान में स्थित अहिरावण की भोग पत्नी दिखाई पड़ी। उन्होंने उससे उन दोनों की मृत्यु का उपाय पूछा। उसने कहा, मैं एक नाग कन्या हूँ, मेरे साथ इसने बर्बरता की है। महिरावण भी मुझे दुष्ट दृष्टि से देखता है और मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं इन दोनों को रति दे सकूं। इसमें अवश्य ही एक मित्र दूसरा शत्रु है, परंतु उन दोनों से दुखी ही हूँ, अतएव इनकी मृत्यु से मुझे आनंद ही होगा। किंतु हे हनुमान, यदि राम मुझे अपनी भार्या स्वीकार करें तो वह युक्ति बतला सकती हूँ जिससे वे दोनों मारे जाएंगे। हनुमान ने कहा, यदि राम के भार से तुम्हारा मंच अर्थात पलंग नहीं टूटेगा तो राम तेरे पति होंगे। इस पर तथास्तु कहकर उसने कहा, पूर्व समय में एक बार बालकों द्वारा कांटों पर आरोपित भंवरों को उन दोनों ने छुड़ा दिया था। इससे प्रसन्न होकर उन भंवरों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों हम लोगों को मरने से बचाया है, अतः जैसे भी होगा हम लोग तुम दोनों को मरने से बचाएंगे। इतना कहकर वे सब भंवरा वहीं निवास करने लगे। उन्हीं भंवरों ने उत्तम अमृत लाकर उसके बिंदुओं से उन दोनों के रक्तों में स्पर्श करके इस समय बारंबार जीवित कर दिया है। हे बंदर, वे भंवरे इस समय भी दोनों शयन गृहों में वर्तमान में उपलब्ध हैं, करोड़ों की संख्या में हैं वो, तुम उन्हें मार डालो। तब उसकी ऐसी बात को सुनकर हनुमान जी ने क्षण मात्र में उन सब भंवरों को मार डाला। उनमें से एक भंवरा हनुमान की शरण में आ गया। तब उससे हनुमान ने कहा, तुम जाकर अहिरावण की भोग पत्नी के पलंग के भीतर से हाथी के द्वारा खाए हुए कैंथे की तरह भीतर से खोखला कर दो। फिर तो उसने वैसे ही किया। तब राम ने उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया। उनके स्थान में राज पर उस मकर ध्वज का राजभिषेक कर दिया। यह कार्य करके राम ने जो ही वहां से प्रस्थान करना चाहा, त्यों ही हनुमान ने राम से कहा कि आप नाग कन्या के गृह में जाकर अनेक चित्र विचित्र शोभा का निरीक्षण करें और वस्त्र अलंकार से मंडित उस सुमुखी कन्या का हाथ पकड़कर
कुछ हंसकर उसके पलंग पर बैठकर अपने भार से उसके मंच को तोड़ा। में राम ने वैसा ही किया। तब उस कन्या ने राम से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, अब तू शरीर को त्याग कर पृथ्वी पर जा, ब्राह्मण की कन्या का शरीर धारण कर और बहुत काल तक तपस्या कर, फिर तीसरे जन्म में जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा तब तू मेरी पत्नी बनेगी। भगवान श्री राम के इस सुंदर मधुर वाक्य को सुनकर उसने राम के समक्ष स्वयं को अग्नि में प्रवेश कर लिया। दूसरे जन्म में वह कुमारी नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आज भी कन्याकुमारी के नाम से हमारे भारत में एक तीर्थ बना हुआ है। और वह ब्राह्मण के घर में जन्म ली और कन्या होकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। राम प्रसन्न होकर हनुमान जी के साथ कंधे पर बैठकर मकर ध्वज को उसका राज का राजा बनाकर फिर वह ब्रह्मांड से स्वयं ऊपर से उड़ते हुए अपने रामा दल में आए। वही कन्या जो कुमारी नाम से धरती पर प्रसिद्ध हुई थी, द्वापर युग में वही जाम्बवंती नाम से जामवंत की पुत्री बनकर उसने जन्म लिया। और वही भगवान श्री राम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर अपने वचन का उन्होंने मान रखा और जाम्बवंती से विवाह कर लिया। वो जाम्बवंती वही कुमारी थी जो त्रेता युग में उसने ब्राह्मण की कन्या बनकर जन्म लिया था, और वही कुमारी पूर्व जन्म में अहिरावण की पत्नी थी। दोस्तों, आपको इस कथा के माध्यम से पूरा पता लग चुका होगा कि भगवान श्री राम ने अपने वचन का मान रखते हुए द्वापर युग में उनसे विवाह किया। दोस्तों, पन्ना लगा दिया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही ज्ञानवर्धन प्रसंग के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।